गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से एक न्यू टॉपिक के साथ आए हैं, न्यू सीरीज के साथ आए हैं। सीरीज का नाम क्या है? न्यूमेरिकल एनालिसिस। इसमें ये बीसीए सेकेंड सेमेस्टर जो एक यूनिवर्सिटी से है उनके लिए है, और बीएससी मैथमेटिक्स जो भी बिहार के अनदर यूनिवर्सिटी है जो बीएससी मैथमेटिक्स करते हैं वो उनके लिए ये ऑप्शनल पेपर एक होता है न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो इसमें हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस क्या होता है उसकी बात करेंगे कि न्यूमेरिकल एनालिसिस क्या है। तो ये एक इक्वेशन, जो भी कोई भी इक्वेशन दिया होता है उसके सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। कैसा सोल्यूशन? अप्रोक्सीमेट या एग्जैक्ट सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, कोई न्यूमेरिकल एनालिसिस कहलाता है। इट इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट सोल्यूशन। सोल्यूशन मीन्स क्या? एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन के बारे में हम बात करते हैं, उसी को हम न्यूमेरिकल एनालिसिस बोलते हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस का तीन पार्ट हम दिए हैं। क्या? पहला सोल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन, दूसरा इंटरपोलेशन, तीसरा सोल्यूशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। सोल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन को दो पार्ट में बांटे हैं, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन के बारे में। ये सारे डेफिनेशन को छोटे छोटे टर्म में देखते हैं, इस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होता है? तो दोज इक्वेशन विच इन्वॉल्व अलजेब्रिक फंक्शन आर कॉल्ड अलजेब्रिक इक्वेशन। ऐसा इक्वेशन जिसमें अलजेब्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो उसी को हम लोग अलजेब्रिक इक्वेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम एग्जाम्पल लिखे तो मेरे पास जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू जीरो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ये सारा का सारा क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन है। इंटरपोलेशन की बात करेंगे तो इंटरपोलेशन क्या होता है? तो ये एक आर्क है, इंटरपोलेशन इज एन आर्क विच इन्वॉल्व टैबलेटिंग वैल्यू और फाइंड द पॉलीनोमियल इज कॉल्ड इंटरपोलेशन। कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास एक टेबल दिया हुआ होगा, एक टेबल से हम अगर पॉलीनोमियल को निकालते हैं वही मेरा कहलाता है इंटरपोलेशन। जैसे ये एक्स है, ये एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पे वन, यहाँ पे थ्री, यहाँ पे टू, यहाँ पे सेवन, यहाँ पे थ्री, यहाँ पे थर्टी, यहाँ पे फोर, यहाँ पे ट्वेंटी वन। हम लोग क्या जानते थे पहले, अभी तक क्या पढ़ते थे? इसका पॉलीनोमियल अभी हमको मालूम है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है। तो इस पॉलीनोमियल से ये निकालते थे हम लोग पहले, अभी तक ये सीखते थे। लेकिन अब हम लोग को क्या करना है, इस टेबल से इस पॉलीनोमियल को निकालना है, उसी इस अध्ययन को हम लोग इंटरपोलेशन बोलते हैं। ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन क्या होता है? ऐसा इक्वेशन जो अलजेब्रिक ना हो या जिसमें ट्रांसेंडेंटल फंक्शन इन्वॉल्व हो उसको हम लोग ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेके चलेंगे तो एक्स लॉग एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू वन, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एक। ये सारा का सारा क्या है? ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है। या आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर जिस इक्वेशन में दो फंक्शन इन्वॉल्व हो या दो से अधिक फंक्शन इन्वॉल्व हो उसी को हम लोग ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन बोलते हैं। बात करेंगे मेन टॉपिक, हमको क्या पढ़ना है। मेनली सिलेबस आपको यहीं से मेन टॉपिक आपका स्टार्ट हो जाता है, सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन आपके एग्जाम में एक ही यूनिवर्सिटी है तो ये एक 12 नंबर का क्वेश्चन आना है, हंस के आए या रो के आए इससे एक क्वेश्चन आता ही है। सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन में क्या क्या पढ़ना था? लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन और नॉन लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन। हम सॉल्यूशन ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन की बात करेंगे सबसे पहले। तो ये इसको सॉल्व करने के लिए दो मेथड होता है, एक का नाम होता है डायरेक्ट, दूसरा का नाम इटरेटिव या इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम लोग पढ़ते हैं किसी भी लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन का एग्जैक्ट सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, और इनडायरेक्ट या इटरेटिव मेथड में हम लोग अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो डायरेक्ट मेथड को सॉल्व करने के लिए तीन मेथड है, पहला गॉस एलिमिनेशन मेथड, दूसरा गॉस जॉर्डन मेथड, तीसरा एलयूडी मतलब लोअर अपर डिकम्पोजिशन मेथड। इस मेथड में हम लोग एग्जैक्ट सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे और इनडायरेक्ट या
इटरेटिव मेथड में हम लोग अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। उसमें दो मेथड है, कौन कौन, गॉस सीडल और गॉस जैकोबी मेथड। तो यही पांच टॉपिक में से आपको एक न एक क्वेश्चन आना ही है 12 नंबर के, या बीएससी में है तो आपको ये फुल क्वेश्चन आपको आता ही है। डायरेक्ट मेथड, हम लोग डायरेक्ट मेथड में क्या था, हम लोग देयर आर थ्री मेथड इन डायरेक्ट मेथड, हम लोग जान गए कौन कौन मेथड था, गॉस एलिमिनेशन, गॉस जेडन और एलयूडी। हम सबसे पहले आज क्या करेंगे, डिस्कस गॉस एलिमिनेशन मेथड के बारे में बात करेंगे। ये थ्योरम नंबर वन है मेरा, ये कि आपके एग्जाम में थ्योरम भी आ सकता है और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी आ सकता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि स्टेट एंड प्रूव गॉस एलिमिनेशन मेथड फॉर सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे। ये हम सबसे पहले प्रूव करेंगे कि ये क्या होता है। तो लेट ये प्रूव करेंगे, तो लेट हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं। अब बात आता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, तो लीनियर इक्वेशन के सेट को ही हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो लेट ए वन वन एक्स प्लस ए वन टू वाई प्लस ए वन थ्री जेड इक्वल्स टू बी वन, ए टू वन एक्स प्लस ए टू टू वाई प्लस ए टू थ्री जेड इक्वल्स टू बी टू, ए थ्री वन एक्स प्लस ए थ्री टू वाई प्लस ए थ्री थ्री जेड इक्वल्स टू बी थ्री। ये क्या है मेरा, बी द गिवेन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ये मेरा क्या हो गया, बी द गिवेन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम इट्स इक्विवेलेंट मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में। तो बी कन्वर्ट द गिवेन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू इट्स इक्विवेलेंट मैट्रिक्स फॉर्म में। मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका जो ए होगा, x का कोफिशियंट जो होगा वो फर्स्ट कॉलम में, y का कोफिशियंट सेकंड कॉलम में और z का कोफिशियंट थर्ड कॉलम में हम कन्वर्ट करेंगे। तो x इक्वल टू b में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो मेरे पास कन्वर्ट करने के बाद क्या आएगा, ये निकल के आएगा a वन वन a वन टू a वन थ्री a टू वन a टू टू a टू थ्री a थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री एक्स वाई जेड इक्वल्स टू बी वन बी टू बी थ्री। इसको हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए, ये मेरा कैपिटल ए है, ये कैपिटल एक्स है, इक्वल्स टू में ये कैपिटल बी है। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ए सी ए बी में कन्वर्ट कर लेंगे। क्या है वो, ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री बी वन, ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री बी टू, ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री बी थ्री। इसमें हम कन्वर्ट कर लिए। अब कन्वर्ट करने के बाद हमको क्या करना है कि इस मैट्रिक्स को हमको अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करना है, मतलब कि हमको इसमें कन्वर्ट करना है ऐसे में, ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री जीरो जीरो ए टू टू ए टू थ्री जीरो ए थ्री थ्री, इसमें कन्वर्ट करना है। ये अपर ट्रायंगुलर हो गया, या आपको ये आपको ए वन वन जीरो जीरो ए टू वन ए टू टू जीरो ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री, इसमें कन्वर्ट कर देना है। ये आपका क्या हो गया, लोअर ट्रायंगुलर। या आप अब हम इसको क्या करना है, इस वाले मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करना है, किसके यूज से, रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के यूज से। मतलब कि अब इसको हम क्या करेंगे, नाउ कन्वर्ट द मैट्रिक्स इनटू इट्स अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बाय यूजिंग रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के यूज से। जब हम इसको ये करेंगे, जब ये मैट्रिक्स को, तो सबसे पहले हम सोचते हैं क्या कि अपर ट्रायंगुलर में हम कन्वर्ट करें, तो ये टू वन जो दिया हुआ इसको हम जीरो बनाएंगे पहले और इसको जीरो बनाएंगे। मतलब ये क्या है, आर टू है, तो आर टू टेंस टू आर टू माइनस, जिस एलिमेंट को जीरो बनाना है उसको
वो एलिमेंट को लिखे ए टू वन, किसका हेल्प लेना है R1 का हेल्प लेना है। R1 किसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में एलिमेंट का है A11 है और A11 कहां से है R1 से, ये एक फॉर्मूला निकल के आ गया। उसके बाद R3 माइनस किसको जीरो बनाना है A31 को, A31 अपॉन A11 R1, ये मेरे फॉर्मूला निकल के आ गया। अब ये याद रखिएगा, आपको दिमाग उतना ज्यादा लगाना नहीं है, ये फॉर्मूला याद रखिए, ये दोनों एलिमेंट खुद ब खुद इस एलिमेंट को डालेगा तो ये जीरो हो जाएगा। अब यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आ गया, यहाँ से रिजल्ट क्या है, A11 में कोई चेंजिंग नहीं है, A11 में R1 में कोई चेंजिंग नहीं है, तो ये हम सेम लिखेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस एलिमेंट को जीरो बना रहा है, ये एलिमेंट तो जीरो बन गया, लेकिन ये A22 जो है एक बार ट्रांसफॉर्म होगा, क्योंकि ये चेंजिंग एलिमेंट है, कुछ ना कुछ चेंज हुआ होगा, क्या हुआ होगा पता नहीं, इसीलिए हम ऊपर में डैश डाल दिए, मतलब कि इस पे फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। A23 इस पे भी फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन और B2 पे भी फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। R3 में ये जीरो, ये A32 इस पे भी फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ये 33 इस पे भी, ये B3 फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपको ये फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हम इस पे दिए हुए हैं, तो ये आपका हो गया। ये B1 नहीं मानेगा, इसका फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हम किए हुए हैं। अब मैं हमेशा क्या कर रहा है, इस एलिमेंट को जीरो बनाना है, क्या बनाना है, इस एलिमेंट को जीरो बनाना है। तो जब हमको इस एलिमेंट को अगर जीरो बनाना है तो हमको क्या करना होगा यहाँ पे, कि ये R3 में आता है ना, R3 टेंस टू R3 माइनस इस एलिमेंट को जीरो बनाना है, मतलब कि A32 डैश को जीरो बनाना है अपॉन R2 का यूज करेंगे इसको हेल्प के लिए। अगर R1 का यूज कीजिएगा ना तो ये एलिमेंट नॉन जीरो होगा, तो इसको जीरो बनाना कोई फायदा नहीं है, तो हम R2 का यूज करेंगे, इसके ऊपर वाले एलिमेंट हुए 22 डैश है और ये कहां से आ गया, R2 से आ गया। जब ये करेंगे R1 में कोई चेंजिंग नहीं कर रहा है तो ये सेम रहेगा, A11 A12 A13 B1 ये एलिमेंट जीरो हो गया, A22 डैश A23 डैश B2 डैश ये आपका जीरो हो गया, ये आपका जीरो हो गया। A33 पे डबल डैश, क्योंकि ये पे दो बार ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, B3 पे डबल डैश, इस पे दो बार ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब मेरे पास क्या आ गया, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। देखिए तो डायगोनल के नीचे के सारा एलिमेंट जीरो हो गया, अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट हो गया। जब ये अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट हो गया तो इसको अब हम फिर से लीनियर फॉर्म में, लीनियर इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। लीनियर इक्वेशन में मतलब कि नाउ वी कन्वर्ट द एवरेज मैट्रिक्स इनटू इट्स इक्विवेलेंट लीनियर इक्वेशन फॉर्म में। जब हम लीनियर फॉर्म में इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे तो मेरे पास क्या निकल के आएगा वो देखिए, मेरे पास आएगा A11x प्लस A12y प्लस A13z इक्वल्स टू B1, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। उसके बाद ये नीचे का एलिमेंट जीरो था, ये आ गया 22 डैश y प्लस A23 डैश z इक्वल्स टू B2 डैश, ये इक्वेशन टू। उसके बाद आ गया A33 डबल डैश z इक्वल्स टू B3 डबल डैश, इक्वेशन थ्री, ये मेरे पास इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करके आ गया। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से मेरे पास z का वैल्यू आ जाएगा, जेड का वैल्यू इक्वेशन टू में पुट करेंगे तो वाई का वैल्यू आ जाएगा, और जेड और वाई को पुट करेंगे इक्वेशन वन में तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स का वैल्यू निकल के आ जाएगा। मतलब क्या कि फ्रॉम इक्वेशन थर्ड बिगेट क्या हो जाएगा आपको, जेड आ जाएगा, आफ्टर पुटिंग जेड इन इक्वेशन सेकेंड बिगेट वाई, एंड आफ्टर पुटिंग वैल्यू ऑफ जेड एंड वाई इन इक्वेशन फर्स्ट बिगेट एक्स, मतलब कि मेरे पास एक्स वाई जेड का वैल्यू निकल के आ जाएगा। आपको क्या करना है, लॉस एलिमिनेशन मेथड में क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ रहेगा,
सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्या करना है, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपको क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है, उसको लोअर या अपर टर्मिनल में कन्वर्ट करना है। लोअर एंड अपर टर्मिनल में कन्वर्ट करने के बाद आपको क्या करना है, उसको एलिमेंट जब लोअर अपर टर्मिनल में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको लीनियर इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लीजिएगा तो वहां से आपका जो वैल्यू एक्स वाई जेड को इजिली आप इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यही पे टर्म क्या आता है, कुछ टर्म कि अगर ये वैल्यू अगर आपका नॉट इक्वल्स टू जीरो है तो जो सिस्टम होगा वो कंसिस्टेंट होगा और इसका इक्वेशन जो होगा वो यूनिक सोल्यूशन कहलाएगा। अगर इसका वैल्यू जीरो है और ये नॉट इक्वल्स टू जीरो है तो वैल्यू जो होगा, ये सिस्टम जो होगा इनकंसिस्टेंट कहलाएगा, इसका वैल्यू नो सोल्यूशन कहलाएगा। तो ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा। हम